अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आ गए मैं एक और पबजी के ब्रांडेड न्यू गेम प्ले लेके। आज हम खेल रहे थे मिरामार में, और ये यूरोप सर्वर था, मैं स्क्वाड के साथ था, एक ही के साथ। और ना ये गेम प्ले बिल्कुल छोटा सा होने वाला, मतलब मुझे ये क्लिप दिखाना था बस आपको, उसके मुकाबले वीडियो बनेगा। तो इस क्लिप में हुआ क्या था कि जो मैंने ना विन से, जिसको हम इतना बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन भाई बहुत 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 अच्छी गन है, इसको ऐसे नाम हमने रखा हुआ कि कार 98 की सस्ती बहन लॉल। तो ये जो बिग टी ना, इसको भी उन्होंने उससे मारा, मतलब बहुत सही क्लिप होने वाला, वो आप देखिएगा। प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जाके मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। क्या करो यार, ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल मतलब मैं बोलता नहीं हूँ जो कटे हुए हो एकदम खत्म, कुछ है ही नहीं। और पिछली वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम है, तो प्लीज़ जाके पिछली वीडियो भी देख लेना, मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो मैंने रॉयल पास बाय कर लिया है फिलहाल, तो मेरा नाम भी आया था थर्ड पे। ये जो बिग बॉडी है ना, इसको हमने बहुत बहुत अच्छी तरह उनको, मतलब इसके पूरे स्क्वाड को ना तकरीबन ही वाइप कर दिया, बस एक बंदा दिखा नहीं, वो अंदर चले गया, वरना वो भी चले ही जाता। हम जा रहे थे सेंट मार्टिन जा रहे थे हम, सॉरी। तो विन 98 से हमने बहुत बहुत अच्छा, मतलब मैंने और भी किल निकाले, मैंने ये एक दो बंदे और भी मैंने उससे मारे थे, लेकिन भाई छोटी सी क्लिप है। और ना मसला ये हुआ कि मैं ट्रिगर हो गया इसमें, पहले हम गए ना तो पहले मैंने उनको थोड़े बहुत नॉक दिए, लेकिन यहाँ मैं ट्रिगर्ड हो गया, क्योंकि मसला ये हुआ कि उन्होंने मुझे नॉक कर दिया VSS से। तो अब देख लो बस क्या हो रहा है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बहुत बहुत मतलब इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। लाइक कर देना प्लीज़, वीडियो आते हो तो लाइक करके जाएगा ताकि हाजिर लगे। भाई अब तुम्हारी बारी। हाँ भाई, तो देख लिया विन 98 से भाई के हेडशॉट्स, तो बस ऐसा ही कुछ। तो इस मैच के फौरन बाद ही हम दो लगा दिया था मैंने एक के साथ, और ये बात आप गौर से सुनना। कौन एलपी लगा रहा था? हैंड फ्री, हैंड फ्री। समझे? अगर समझ में नहीं आई ना तो दोबारा सुनो, समझ में आनी चाहिए, बहुत हंसने की बात है ये। ठीक है, मैं खुद नहीं, मैं नहीं बताना चाह रहा आपको, ठीक है। तो हम आ गए थे सेंट मार्टिन, यहाँ पे गन काफी मुश्किल से हमको एक तो मिल रही थी, और बंदे मतलब आधा सर्वर यहाँ था। आप क्रेडिट देखोगे आप खुद बोलोगे हाँ भाई, वाकई आधा सर्वर पूरा यहाँ खुद ही उतर गया था। तो मैं जस्ट हम लोग मतलब बंदे ढूंढ रहे थे, तो हमें दो बंदे मिले। इन बंदों ने ना पूरा मतलब सर्वर उन्होंने निकाला था, हमने कुछ बंदे मारे लेकिन इन्होंने पूरा A to Z खत्म किया था। नूर नाम था एक का, और ये लड़का मतलब बहुत प्यारा खेल रहा था, कंट्री का नहीं पता मुझे लेकिन बहुत अच्छा खेल रहा था। फिर अचानक मुझे एक ने बोला कि नूर मेरे पे आया तो जल्दी मेरे पास आ जा। मेरे पास एक S12 थी, वो मैंने इस रखी इसलिए थी कि मुझे लग रहा था कि ना मतलब अगर कुछ हो जाए ना तो यही काम आएगी, क्योंकि और किसी गन में हाल तो है नहीं। तो मैं जस्ट के पास आ गया, और मतलब देखो क्या होता है भाई। तू 10 मारे मेरा बेटा एक बहुत है, 10 के बराबर एक दिया सर जी। और मतलब ना बहुत खुशी हुई शॉट को देख के, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद पूरा सेंट मार्टिन वाइप हो चुका था, खत्म था, कोई भी नहीं था। तो बस हम लोगों ने बोला चलो चलो यहाँ सब क्या करना है। तो हम बस जब गाड़ी लेने जा ही रहे थे, तो अगर 6x होता ना तो ये वहीं के वहीं काम हो जाता, लेकिन मेरे पास रेड डॉट था और गाड़ी भी चल रही थी, तो ये गाड़ी जैसी बाइक जैसी आई, दो बंदे थे। और अगले को भी मैंने मतलब देखो एक को डैमेज दे दिया, लो कर दिया, एक नॉक है। दूसरा को भी मैंने काफ़ी लो किया था, लेकिन बस और गलती मुझसे यहाँ पे ये होगी कि मैं यहाँ पर उतर गया, और उतरने का मसला ये हुआ कि एक ही भी मर गया, क्योंकि काफ़ी मैंने बीच में काट दिया। हम दोनों बहुत होल्ड, बहुत ज़्यादा होल्ड करके खेल रहे थे, उसने एक ही को ही मारा और मुझे भी काफ़ी डैमेज दिया। बहुत अच्छा लड़का खेल रहा था। तो अब बंदे काफ़ी कम बचे हैं, अब डू वर्सेस सोलो चुका है ये, और मैंने एक बहुत अच्छा निकाला भी, तो वो आप देखना। और लाइक कर दो प्लीज़, लाइक कर दो प्लीज़, लाइक कर दो, ठीक है। तो जोन आ चुका था, जोन थोड़ा आगे चल गया था, वरना पहले जोन यहीं पे था। तो मैंने जैसे अपनी बाइक पकड़ी, और फिर मैंने बोला चलो निकलते हैं यहाँ से, बहुत हो गया यहाँ का। और मैं यहाँ पे आगे छुप गया, क्योंकि अब जाहिर बात है अब कैंप, ये कैंपिंग हो रही है, अब कैंप करना पड़ेगा। तो अब सिर्फ 4 बंदे बचे, एक बंदा तो ड्रॉप पे गया, सामने ड्रॉप था वहाँ, बिल्कुल जहाँ मैं देख रहा हूँ यहीं पे ड्रॉप था, एक बंदा वहाँ पे ड्रॉप लेने गया हुआ है, मैं यहाँ पे। दो बंदे मेरे पीछे से आएंगे, और पाकिस्तानी थे हमारे भाई थे वो, तो
या गए, पर खुद देखो क्या वो उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने हाइट छोड़ के वो नीचे आ गए तो वो चले गए, मर गए, उनको नीचे करना चाहिए था और दोनों को एक साथ आना चाहिए था, एक एक करके आ रहे थे तो ये मसला है। एक मुझे सामने से डिस्ट्रैक्ट करके दूसरा बिल्कुल थोड़ा सा मतलब आगे घूम के आ गया, उसको पता ही नहीं चला शायद मैं यहाँ हूँ, और फिर उसको शायद अचानक साउंड आया तो वो नीचे कूदा, और फिर हमने बोला ऐसे कैसे, इसको तो हमने एक मौका भी नहीं उसको मारने के लिए। ये आ रहा था और मेरा एम भी काफ़ी यहाँ पे हिल रहा था, अगर मैं रिलोड पे ना लगाता तो वो मुझे शायद ले जाता, और फिर उसको फिर हमने इससे मार दिया। अब इसके बाद आप देखना कि अभी वो मुझे तीसरा बंदा है ना, मुझे यहीं से नज़र आ गया है, और 6x लगाया था मैंने, अगर 8x होता तो शायद बात और होती, और काफ़ी क्लोज इससे कि मतलब काफ़ी क्लोज से बचा मुझसे, वरना मैं चाहता यहीं कहीं गेम ख़त्म हो जाता, और यहीं कहीं गेम ख़त्म होता ना तो बहुत सही हो जाता। और उस बंदे ने पता क्या किया, पूरा रोटेट करके पूरा सर्कल घूम के, मुझे खुद समझ भी नहीं आया इसने कैसे कर लिया, पूरा सर्कल घुमा और फिर ये बिल्कुल मेरे बराबर में आके बैठ गया, मुझे ट्रॉल कर रहा था ये। अब देखना क्या हुआ, मैं जस्ट अपनी बस हीलिंग वीलिंग कर रहा हूँ और उसको मैं पूरा नापने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए, स्मोक करके पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गया, यकीन करो मुझे समझ में नहीं आया, इतना मैंने होल्ड करा, इतना मैंने इसको देखने की कोशिश की, समझ में आता बंदा गया कहाँ, मैंने बोला जोन आएगा तब जाएगा, लेकिन जब भी नहीं आया, मतलब भाई इसने जो फ्लैंक किया था ना वो बेहतरीन था। मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, देखने बंदा निकलेगा कहाँ से, और निकलेगा भी पता नहीं क्या चल रहा था ये, मतलब अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, इसी बस ऑन थी, नेट अच्छे खासे थे, नेट इसे लाया भी किया मेरे पे, तो अब बिना साउंड कैसा आया, यहाँ पे अब साउंड आ चुका है, मुझे जोन भी आ रहा है, तो अब मुझे पता चल गया ये बंदा है यहीं पे, और अब जो जोन होगा ना वो हम दोनों की बिल्कुल मतलब हम तो जोन बार बार हम दोनों पे ही बनता जाएगा, और अब बहुत सारे नेट वेट होंगे, पहले उसने नेट करके फिर वो आगे आया ये ऐसे। तो सीन कुछ ऐसा हो रहा था कि वो मेरे पे नेट कर रहा है, मैं उसको स्मोक कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे पास जितने भी नेट थे और जितने भी स्मोक थे वो सब खत्म हो चुके हैं, बस हम अब मतलब हम अभी भी कर रहे हैं मेरा ऑक्सर से, तो जब मैंने पासवर्ड पर चला, क्योंकि फाइट हमारी हो नहीं रही थी, हम दोनों जा रहे थे मतलब नेट से मार रहे थे, वो स्मोक मेरे पे कर रहा है मैं उस पर कर रहा हूँ, वो मेरे पे कर रहा है मैं उस पर कर रहा हूँ बार बार, और कवर हम दोनों के पास था और जोन भी हम दोनों के पास ही बार बार बना जा रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने बोला चलो इसके, शायद मुझे पहले पता नहीं था कि एक उससे मतलब मुझे ये दिख जाए, लेकिन फिर दिख ही गया मुझे, और जब मैंने उसको लो कर दिया तो फिर कुछ ऐसा हुआ बिल्कुल लाइटली, तो ये मेरा पहला मेरे मार का, जब से मतलब मेरे मार का मैप आया ना, ये पहला मेरा मैच था जिसमें मैंने चिकन डिनर किया, और मैंने पहला मैच ही खेला था ये, पहला दूसरा तीसरा मैच होगा ये। तो बस बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, आपने अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए 10 मिनट निकाले, और अब आप मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना अपना, लाइक कर दो प्लीज़, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब माई चैनल, और ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़।